तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है टाटा सफारी। और टाटा सफारी में हम आपको एसी का गैस भरवा रहे हैं, क्योंकि मेरा गाड़ी का 10 साल हो गया था। 10 साल में हम कभी भी आपको हम एसी गैस नहीं भरवाए थे, तो इसीलिए आज हम अप्रैल में आपको एसी गैस भरवाने के लिए गए थे, जहाँ कि आपको रांची के ही एक PSM हब है, वहीं पर हमारे मित्र का दुकान है, वहीं से हम आपको मतलब एसी गैस भरवाए थे। तो वहाँ आपको चार्ज लगा दोस्तों 1500 रुपया, और एसी गैस ऐसा भरे ना, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। पूरा कूल गाड़ी अभी कर रहा है दोस्तों, क्योंकि पहले जब हम गाड़ी चला रहे थे दोस्तों, तो मेरा एसी गैस का काम नहीं कर रहा था, तो हमें लगा कि एसी का गैस ख़त्म हो गया है दोस्तों। तो इसीलिए हम गए अपने मित्र के पास, बोले कि क्या आप मेरे टाटा सफारी में एसी का गैस डाल सकते हैं। तो बोला कि हाँ डाल सकते हैं, क्या दिक्कत है, हमारे पास तो एसी गैस डलाता है। तो हमने सोचा कि हाँ सही में, तो हाँ तो वहीं पर एसी गैस डलवाएं दोस्तों। आप देख सकते हैं मशीन के द्वारा दोस्तों, ये आपको थर्मामीटर सेटिंग कर कर आज चेक कर कर आपको ये एसी का देखिए ऐसे गैस डलाया जाता है। तो इसमें 2 डब्बा इसमें आपको लग गया था एसी का गैस में, और आगे में देखिए, आगे में पानी मार रहा है इसलिए कि थोड़ा कूल करने के लिए। और इसके बाद दोस्तों मेरा एसी का जो गैस है ना दोस्तों, बहुत अच्छा ढंग से टाटा सफारी का एसी कूल एकदम कर रहा है, बहुत ही अच्छा मस्त है। अब लग नहीं रहा है कि एकदम आपको ये कि कूल नहीं कर रहा है, एकदम पूरा बढ़िया से एकदम कूलिंग कर रहा है दोस्तों। बड़ी मज़ा आया दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं पूरा गाड़ी में एकदम पूरा अच्छा से एसी गैस भरा गया दोस्तों। और हमारे मित्र देखिए पूरा अच्छे ढंग से एकदम टेम्परेचर चेक करके एसी का पूरा गैस डाल चुके हैं दोस्तों। और पूरा टेम्परेचर से 2 ऐसा ऐसा डब्बा में जो गैस होता है, 2 डब्बा का गैस मेरे टाटा सफारी में लगा हुआ है एसी का। अब कूलिंग भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है दोस्तों, और टेम्परेचर भी बहुत अच्छा से बता रहा है दोस्तों। और देख सकते हैं किस अनुसार एसी का गैस मतलब डाल रहे हैं, और कूलिंग भी दोस्तों बहुत अच्छा कर रहा है दोस्तों। मानना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा, हमें दिल खुश हो गया दोस्तों, क्योंकि 10 साल में हम कभी भी अपना इस टाटा सफारी में गैस नहीं डलवाए थे। सोचे थे कि 2023 में गैस डलवाएंगे, फिर 2023 में भी नहीं डलवाए दोस्तों। और अब हम 2024 में अप्रैल में दोस्तों, जब ज़्यादा मतलब ये गर्मी दे रहा था दोस्तों, तब जाके हम एसी गैस डलवाने गए थे अपना ही मित्र के शॉप पर, जो कि यहीं पर है रांची में ही। और उन्हीं के शॉप पर दोस्तों हम देख सकते हैं एसी पूरे अच्छे ढंग से चेक करके दोस्तों एसी गैस डलवाए, जो कि बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। और कूलिंग भी बहुत अच्छा कर रहा था दोस्तों, बहुत मज़ा आया। और हमारे मित्र भी जो है अमित जी, बहुत अच्छा लगे, और उन्होंने हमसे 1500 रुपया पैसा लिए, जो कि दूसरे से 1800 लमसम लेते। तो चलिए अच्छा लगा हमें हमारे टाटा सफारी में एसी गैस डलवा दिए। तो इसमें कहाँ लिखा था हमारे टाटा सफारी में कैसे एसी गैस काम कर रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा और कूल काम कर रहा है दोस्तों। गाड़ी लिए हुए हमको 10 साल हो गया था, 10 साल में कभी भी हम एसी गैस आपको नहीं डलवाए थे, और आज आपको लमसम आपको बता रहे हैं। 2-3 दिन मतलब पहले ही पता चला कि गैस मेरा लग रहा है ख़त्म हो गया, क्योंकि कूल नहीं कर रहा था दोस्तों। अब एकदम एसी गैस मेरा पूरा अच्छा से काम कर रहा है दोस्तों। ये मेरा टाटा सफारी का अंदर का इंटीरियर है, देख सकते हैं। अभी हम झंडा खोल कर BJP का रख दिए हैं, क्योंकि आचार संहिता चल रहा है दोस्तों, और झंडा निकाल दिए हैं। ये हमारा टाटा सफारी हम सफ़र, मेरा प्यारा सा हम सफ़र है दोस्तों। बहुत पुराना गाड़ी है, लेकिन वेल मेंटेनेंस में रखे हुए हैं दोस्तों। और हम आपको बताना चाहता हूँ कि एक और मेरा पुराना गाड़ी है, जो कि हुंडई का एक्सेंट है दोस्तों, वो भी वेल मेंटेनेंस में रखे हुए हैं। और रहा बात दोस्तों आपको बाहर से दिखाना है, तो बाहर से भी हम आपको निकाल कर दिखाते हैं, आपको सब कुछ दिखाते हैं। तो एक बार आपको बाहर से दिखा रहे हैं, देखिए यही गाड़ी है, देख सकते हैं आगे में। और इसके बाद आपको उसको भी ढक दिए हैं, झंडा भी निकाल दिए हैं, और साइड से भी देखिए, आपको चारों तरफ से देखिए, आपको दिखा रहे हैं, ब्लैक शीशा भी लगा हुआ है दोस्तों। और अभी थोड़ा झंडा का थोड़ा दिक्कत था, क्योंकि आचार संहिता में थोड़ा सा दिक्कत होता है, कहाँ कहाँ अपना परिचय अपना पहुँच बताएंगे। तो यही सब के लिए दोस्तों अभी झंडा भी निकाल चुके थे, और गाड़ी अभी बहुत अच्छा से कूलिंग भी कर रहा है, कूल भी हो रहा है। तो वही सब था, तो अभी घर जा रहे हैं, अब चलते हैं घर नाश्ता करने के लिए।
खाना खाना है दोस्तों, अब घर जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं और देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी अभी कितना चला हुआ है मेरा, लमसम आपको 96,948 चला हुआ है दोस्तों, है ना। अभी फ़िलहाल में जब जीरो किए थे बिहार गए थे दोस्तों तो 1,032 मतलब अभी फ़िलहाल में चला है, देख सकते हैं पेट्रोल मेरा कितना है अभी, ये आधा टंकी से थोड़ा सा कम है और टेम्परेचर अभी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ गाड़ी, और मेरा गाड़ी देखिए कितना कूलिंग है दोस्तों, कूल भी कर रहा है क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। अब ठंडा हो रहा है क्योंकि गर्मी का समय है दोस्तों, एसी बहुत ज़रूरी है और इसके ऊपर भी एसी है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ भी दिया है और भी आपको दिखा रहे दोस्तों, यहाँ भी सीट के नीचे भी एसी दिया है, यहाँ पर देखिए वही सब है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।